हेलो फ्रेंड्स, आप हैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ और आज हम मैट्राइसेस में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले आपको ट्रांसपोज जानना जरूरी है। तो ट्रांसपोज क्या है? तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज, इसका ट्रांसपोज होगा ए डैश डैश ए टी या फिर ए कैपिटल टी, और इसकी वैल्यू होगी ए आई जे की जगह ए जे आई एन क्रॉस एम। तो जो ए आई जे है वो ए जे आई हो जाएगा, तो जो रो वाले एलिमेंट्स है वो कॉलम वाले हो जाएंगे, बस इतना ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए है 1 2 3 1 4 2, तो ए डैश होगा, इसका ट्रांसपोज होगा 1 2 4 3 1 2। और अगर इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी ले लेते हैं आप, तो फिर आपको वापस ए मिल जाएगा। और दूसरी बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लें। और दूसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। तीसरी है ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। कीप दिस इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ए इंटू के, के इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज, जबकि के क्या है, के इज अ स्केलर क्वांटिटी, के इज अ स्केलर, के एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसा हो जाएगा। और अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकालें, जैसे ए एक डायगोनल है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो आपके पास ये वापस ए आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, डायगोनल ऑफ ए वन ए टू ए एन, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज वही होगा। क्या होगा? डायगोनल ऑफ ए वन ए टू अप टू ए एन। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई टी जिसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसका ट्रांसपोज भी आई होगा। और ओ टी नल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज नल होगा, बशर्ते ये स्क्वायर हो। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना इसका, इसलिए। तो ये इसकी कुछ खास बातें थी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे और ए आ जाएगा तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ए 2 4 1 और इसका ट्रांसपोज निकालिए, पहली रो को पहला कॉलम बना दे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दे, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, और वापस आपके पास अगर ए आ जाता है तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ए इस तरीके का है 1 2 1 2 1 4, तो ये कभी भी इस तरीके का मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज बराबर ये नहीं होगा, क्योंकि उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ऐसा केस नहीं, ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और ए कैसा होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये है ए इज इक्वल टू 0 1 -1 0। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, ये आएगा 0 1 -1 0। माइनस कॉमन ले ले, 0 1 -1 0, क्या आ गया आपके पास? माइनस है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको ही डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमेशा 0 0 होगा। तो डायगोनल, कीप दिस इन माइंड, डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी 0। अगर डायगोनल 0 नहीं है तो होगा ही नहीं। क्यों? एक आपको मैं एग्जांपल से भी बता सकता हूं, आप ऐसा सोच रहे हैं, दिमाग में कोई बात आ रही है, तो उसको भी अब क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास कुछ इसी तरह का केस ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, सेकेंड एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू ले लिया हमने 2 3, या इसी को ले ले 2 1 -1, और यहाँ पे -2 ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए तो जाएगा 2 1 -1 -2, और अब माइनस कॉमन लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? -2 1 1 +2, विच इज़ नॉट वॉट, माइनस है। अगर ये माइनस है नहीं है तो फिर ये स्क्यू नहीं होगा। तो आपने समझा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज ए, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा। अब जो असली बात है वो ये है कि आपको क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसमें कुछ वेराइटी है, तो पहले मैं सरल से थोड़ी स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आपको दिया रहता है ए इज इक्वल टू एक्स टू वाई जेड 3, ए यहाँ ले लिया -2, यहाँ ले लिया बी, और यहाँ ले लिया 0। एक इफ ये दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1, इफ कैपिटल ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स देन फाइंड अननोन्स। कौन कौन से अननोन्स है? एक्स वाई जेड ए एंड बी। तो हमें ए क्या दिया हुआ है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बीइंग स्क्यू सिमेट्रिक, ए बीइंग स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस ए। ए ट्रांसपोज निकाल लें, ए ट्रांसपोज आएगा एक्स टू वाई जेड ए -2 3b0 इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ माइनस रख दें बाहर, या फिर सारे एलिमेंट माइनस कर दें, ऐसा कर दें सारे एलिमेंट माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा -x -2 -y -z -a +2 -3 -b और -0 is 0। अब आप कंपेयर कर लें, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा x = -x, विच इम्प्लाइज 2x = 0, विच इम्प्लाइज x = 0। पहली चीज आ गई। अब z = कितना है? -2, ये दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज देखो, 3 = -y, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इधर देखिए नीचे,
नीचे देखे माइनस जेड इज इक्वल टू टू है, तो माइनस जेड इज इक्वल टू टू, तो यही चीज बात हो गई, माइनस जेड इज इक्वल टू टू, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास माइनस टू। ये दोनों एक जैसे ही हैं, अलग अलग होते तो फिर बोल देते कि ए ओ ये ए विल नॉट बी एस्क्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर कह देते कि दीज वैल्यूज कैन नॉट बी डिटर्मिंड, ठीक है, दीज ऑल वैल्यूज कैन नॉट बी डिटर्मिंड, ये सारी वैल्यूज नहीं निकल सकती। तो अब देखें ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास माइनस ए, ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये भी टू ए इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो। अब तीसरी चीज है बी, देखिए यहाँ पर बी इज इक्वल टू कितना है प्लस टू है, बी इज इक्वल टू प्लस टू है। अब वाई इक्वल टू देखो, इधर देखो वाई इक्वल टू कितना होगा माइनस थ्री, वो इसी के जैसा है सेम, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये दोनों एक जैसे ही हैं, अलग अलग होने भी नहीं चाहिए, अलग अलग होते तो फिर वही बात होती कि y cannot be determined। अब माइनस टू इक्वल टू माइनस बी है, ये देखिए माइनस टू इक्वल टू माइनस बी है, तो माइनस टू इक्वल टू माइनस बी है, तो माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू टू, ये भी वही आ गया, सब वही वैल्यूज आ गई। तो ये आपके अननोन्स आ गए x, y, z, a और b, और जीरो इक्वल टू जीरो लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये आपने अननोन्स निकाल लिए। तो ये पहले तरीके का सवाल है, अब हम दूसरे तरीके के सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें आपको ये दूसरा जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे तरह का क्वेश्चन। तो हम इस दूसरे तरह के क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह से होता है। तो ये क्वेश्चन टू है, ये क्वेश्चन इस तरह से रहता है, एक्सप्रेस कैपिटल ए 2406 as a sum of two matrices in which one is a symmetric matrix, one is a symmetric matrix and other is a skew symmetric matrix and other is a skew symmetric matrix. मैट्रिक्स ऐसा हो, तो पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ ले इसकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या है इसका सॉल्यूशन, कैपिटल ए को आप लिख सकते हैं वन अपॉन टू इंटू टू ए, क्लियर। अब इसको आप लिख सकते हैं वन बाय टू, टू ए को लिख दें ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या किया, ए को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया 2a को, और इसको ऐड कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको सेपरेट कर दें 1 बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज एक साथ कर देंगे और 1 बाय टू ए माइनस ए ट्रांसपोज एक साथ कर देंगे। एक को आप p मान लीजिए, इसको p मान लें आप, और इसको q मान लेते हैं p प्लस q, इसको P मान लें और इसको Q मान लें, और देख लें कि P क्या चीज है, P है 1 बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लें, देख लेते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा 1 बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज। तो आप वो प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें लिखा था मैंने k इंटू ए होल ट्रांसपोज में k बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय टू बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 1 बाय टू ए प्लस a ट्रांसपोज प्लस a, ठीक है ना, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने देख ली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी जब, तो ये आप लिख सकेंगे इसको 1 बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कम्यूटेटिव होता है तो आगे पीछे आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्यों, क्योंकि ये वापस किसके जैसा आ गया, P डैश निकाला, P ट्रांसपोज निकाला,
और पी ट्रांसपोज इज सेम एज पी, तो पी ट्रांसपोज बींग सेम एज पी, तो पी कैसा हो गया, पी इज देयर फोर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्यू देखें, क्यू क्या चीज है, तो क्यू है आपका 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्यू का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो इस क्यू आएगा, ठीक है ना, आपको बात तो समझ आई गई होगी कि क्या होगा वो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो 1/2 इसमें बाहर आ जाएगा, ए इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसमें माइनस बाहर ले लें, माइनस बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ये क्यू हो गया। तो क्यू कैसा हो गया, देयरफॉर क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, पी सिमेट्रिक क्यू स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में अब हम आ पाए हैं, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। तो हम इसके सोल्यूशन में जाएंगे, और सोल्यूशन में ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट बताया, अब इसका असल सोल्यूशन ऐसा है, ए को लिखेंगे हम पी प्लस क्यू। अब हमारे दिमाग में कि पी और क्यू क्या चीज है, तो इसलिए हमने लिखा ए को पी प्लस क्यू। पी इज इक्वल टू कितना है, 1/2 ए प्लस ए डैश, ए डैश या ए ट्रांसपोज, और क्यू क्या चीज है आपके पास, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, हम ट्रांसपोज निकाल लें, ए तो है ही हमारे पास, ए का ट्रांसपोज निकाल लें, तो व्हाट इज ए, ए इज 2406, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2046, क्लियर, ये आ गया आपके पास। अब आगे की प्रोसेस, अब आगे की प्रोसेस ऐसी है कि व्हाट इज पी, तो पी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इन दोनों को ऐड कर दें आप, तो 2 + 2 = 4, 4 + 12, 4 + 4 = 12। अब इसको 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 6, और P ट्रांसपोज देख लें आपकी क्या है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 × 2 = 6, तो ये क्या आ गया P, तो इसलिए P क्या हो गया, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब आप इधर देखो, Q के लिए देखो, तो Q इज व्हाट, 1/2 ए माइनस ए डैश, ए में से ए डैश ए ट्रांसपोज माइनस करो, 2 − 2 = 0, 4 − 4, तो यहाँ 0 − 4 = 0, 0 − 4 = 0, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 × 2 − 2 = 0, अब क्यू ट्रांसपोज निकाल लो, तो ये जाएगा 0 − 2 = 2 = 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 × 2 − 2 = 0, ये बन गया आपका माइनस क्यू। तो देयरफॉर क्यू इज व्हाट, क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो बात हो गई कि पी क्या है क्यू क्या है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में अपने को ये लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस कैपिटल ए एज अ सम ऑफ टू मैट्राइसेस इन विच वन इज सिमेट्रिक अदर इज स्क्यू। तो हमने ए को पी प्लस पी लिख दी और क्यू तो निकाल लिए, पर अभी हमको इसको एक्सप्रेस करना है किस में, कि ए को पी प्लस क्यू के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले अपन ये देख लें कि P प्लस क्यू ए होता है कि नहीं होता है, वो तो डेरिवेशन था उससे निकला था, लेकिन अपने को जब सोल्यूशन लिखना होगा तो सोल्यूशन इस तरह से लिखना पड़ेगा।
तो हम p प्लस क्यू इज इक्वल टू ए वेरीफाई कर लेते हैं, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू ए वेरीफाई कर लेते हैं, तो देखें p प्लस क्यू ए वेरीफाई करें, तो लिख देता हूं मैं यहां पे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, लेट अस वेरीफाई, ये आपके क्वेश्चन का ही पार्ट होगा, लेट अस वेरीफाई p प्लस क्यू इज इक्वल टू ए, ये है कि नहीं है, तो आप एक काम करें p और q की वैल्यू डाल दें, p और q की होगा वैसे दैट इज श्योर, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोसेस दिखानी पड़ेगी, तो p की वैल्यू कितनी है 2226, q की वैल्यू कितनी है आपकी, q की वैल्यू है आपके पास 02-20, और आप इसको ये a लिखा हुआ है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2406, तो यहाँ लिख दें 2406, अब आप इसको ऐड कर दें 2+0, 2+0 देखिए 2+0 2+2 4, 2-2 0, 6+0, ये सेम आ गया, क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसका मतलब है वेरीफाइड है, वेरीफाइड, वो वेरीफाइड हो गया, क्या वेरीफाई हो गया कि ए कैन बी रिटन एज पी प्लस क्यू, लेकिन आंसर क्या चीज है, तो आंसर है आपका, आंसर में देखें तो क्वेश्चन पहले समझेंगे फिर उसके बाद आंसर आएगा, क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस कैपिटल ए एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज एस्क्यू सिमेट्रिक, तो आंसर होगा आपका A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, अब A की वैल्यू, तो A तो उन्होंने दे रखा है तो A लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो वैल्यू भी लिख ले, लेकिन आंसर में P प्लस क्यू 2226 प्लस 02-20, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर होगा, और आप ऐसा करके आएंगे तो आपको फुल ऑन फुल मिलेंगे, और इसके जैसे ही मैं दो क्वेश्चन आपको लिख देता हूं जिनको आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन है उसी टेक्निक से कि एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए क्या लिख दिया मैंने आपको यहां पर 1352, इसको क्या लिखना है आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है, ये आपको लिखना है, जैसा पिछला क्वेश्चन था सब कुछ एवरीथिंग इज सेम, मैट्रिक्स बदल गया, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें मैं ले लेता हूं पी, पी लिख दिया हमने 2402-31-05, ये लिख दिया आपको, अब इसमें बोला कि एक्सप्रेस पी एज अ सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस, तो इस केस में आप ऐसा करना P को क्या लिख देना आप A प्लस बी लिख देना, और A को क्या मान लोगे आप जो काम वहां P कर रहा था वहां A भी करने लगेगा, तो ये आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज, ओ सॉरी P प्लस B ट्रांसपोज, और B हो जाएगा इस केस में आपका 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज, बस इसमें क्या बताना है आपको वही बताना है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ जाएगा और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस B, फिर वेरीफाई करेंगे आप, वेरीफाई कैसे करेंगे A प्लस B देखेंगे P आता है कि नहीं आता है, फिर आंसर लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे P इज इक्वल टू A प्लस B, तो ये था दोस्तों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कंसेप्ट और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके मैट्रिक्स का एक पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर ना करें, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिविटी अब आजकल क्वेश्चंस में ज़्यादा होने के कारण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आप ध्यान से देखें, ये दोनों क्वेश्चंस सिंसियरली करें, वीडियो में कुछ समझने में दिक्कत हो एक बार फिर से देखें, फिर भी प्रॉब्लम आए तो मुझे लिख भेजें, मेरे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं 9685698056, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है इनफैक्ट,
ये व्हाट्सअप नंबर, इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, और मैं व्हाट्सअप का आपको रिस्पांस पॉजिटिवली दूंगा, आप चिंता ना करें। कोई बात और कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उन लोगों तक ये बात पहुँचे जो बेचारे, मैंने दोज हु आर डिप्राइव्ड, जो लोग वंचित हैं उन लोगों तक ये बात पहुँचे, ये सवाल पहुँचे, ताकि वो अपने कोर्स को, अपने करिकुलम को आगे बढ़ा पाएँ और उनकी प्रॉब्लम भी दूर हो। तो इसके काम में आप साथी बने, और हम सब जब एक काम अपने हाथ में ले लेंगे इसको आगे बढ़ाने का, तो ये सब तक पहुंच जाएगा और सारे बच्चे इसका फ़ायदा लेंगे। मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स हूँ और वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, कई रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश्ड हैं, आप गूगल करेंगे तो देखेंगे कि मेरे कई सारे रिसर्च पेपर्स गूगल पर भी अवेलेबल हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।